मिल गए हैं, दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, घर में जाके जो ड्यूटी है वो करते हैं, सोते हैं, फिर नेक्स्ट डे ड्यूटी करते हैं। तो हम भोजन देकर शरीर की केयर करते हैं, परंतु इस बॉडी का, ये जो शरीर का है वैल्यू तो एनर्जी के कारण ही है। तो एनर्जी का केयर कैसे करेंगे? पॉजिटिव थॉट्स कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझको बनाने वाला वो परम पिता भगवान गॉड निराकार गॉड इज लाइट, हम सब भी एक एक एनर्जी है, तो हमको बनाने वाला भी वो एनर्जी ही है। तो वो जो लाइट देख रहे हैं कि नहीं, है ना? तो रक्षाबंधन सिर्फ शारीरिक रक्षा की बात नहीं है, शारीरिक रक्षा नहीं है, सिर्फ हम इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम सभी बहुत कुछ करते हैं, और हमें बहुत अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन भी है कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाए रखा जाए। लेकिन ये जो रक्षाबंधन है ये है स्वयं की रक्षा की बात। तो स्वयं की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, है ना? हम सब बचपन से सुनते आए, हमारे पास बहुत अच्छे से बड़ों ने सिखाया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गलत क्या है सही क्या है। लेकिन जब गलत करते हैं तो सही जो एक एनर्जी हो, मैं डिवाइन हो, मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ लाइट हो, इस बॉडी के मस्तक में हो, आज मैं एनर्जी इस बॉडी के मस्तक में हूँ, तो इस नाटक मंच में बहुत अच्छा अभिनय कर रहा हूँ, और मैं एनर्जी अविनाशी हूँ, पीस से संपन्न हूँ, बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत लवफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, जैसे मैं लाइट हूँ मुझको बनाने वाला भी वो सुप्रीम लाइट, उनकी मैं बहुत ही प्रिय हूँ, मुझे वो भर रहे हैं शांति से, मेरे ऊपर शक्ति की वर्षा कर रही है, मैं बहुत बहुत शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, मेरे जीवन की कोई भी परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई भी कमी कमजोरी मुझे अपने ऊपर असर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक एनर्जी हूँ, और मैं एनर्जी बहुत पावरफुल हूँ, क्योंकि मुझको बनाने वाला वो सुप्रीम एनर्जी वो सदैव मेरे साथ है, वो मेरी माता पिता है, वो मेरा खुदा दोस्त है, वो मुझे बहुत प्यार करती है।